इमेजिन आप एक मेजर ऑपरेशन के लिए जाते हैं और आपको एनेस्थीजिया दिया जाता है। उसके बाद आपकी आंख खुलती है तो आप देखते हैं कि आपका ऑपरेशन पूरा हो चुका है और आपको कुछ पता भी नहीं चला, इवन आपको कुछ याद भी नहीं है। बट क्या हो अगर आपकी आंख अचानक खुलती है और आप देखते हैं कि चार लोग मास्क पहने हुए हाथ में सीजर्स लिए हुए आपका ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको एनेस्थीसिया का जो डोज दिया गया था उसने अपना काम करना बंद कर दिया है और अब आप होश में आ चुके हैं और आप ना तो हिल सकते हैं ना ही कुछ बोल सकते हैं, जिसके कारण डॉक्टर भी ये नहीं जान पाएगा कि आप होश में आ चुके हैं। बस आप अपना ऑपरेशन चलते हुए देख पाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। उससे भी ज्यादा बुरा ये होगा कि अब आप दर्द भी फील कर सकते हैं बट चिल्ला नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एनेस्थीसिया दिया गया था जिससे आप टेम्परेरी पैरालाइज्ड हो गए हैं बट होश में जरूर हैं। ये देखना और सहना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। तो आइए आज हम बात करते हैं क्या होगा अगर आप किसी मेजर ऑपरेशन के बीच में होश में आ जाएं, क्योंकि ये पॉसिबल है और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा होने की पॉसिबिलिटी करीब 0.02% के आसपास होती है, मतलब हजारों में एक की। बट इंडिया में करीब रोज लाखों ऑपरेशन होते हैं, ये नंबर 10, 20, 30 कितने भी हो सकते हैं जिन लोगों को ये दर्द सहना पड़ता होगा, इस चीज से गुजरना पड़ता होगा। उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर एनेस्थीसिया होता क्या है। आपने सुना होगा कि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट्स को एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे उसके बाद उसको होश नहीं रहता और वो दर्द महसूस नहीं कर सकता, ना ही इस बीच में उसे जो कुछ भी हुआ उसे याद रहता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हर पेशेंट के ऑपरेशन से पहले उसकी हैबिट, लाइफ स्टाइल, खान पान ये सब जानने के बाद ये डिसाइड करता है कि एनेस्थीसिया में किस एजेंट का कितना डोज उसे मिला के दिया जाएगा, जो आपको बेहोश, रिलैक्स, पेनलेस और कुछ टाइम के लिए टेम्परेली पैरालाइज रखने के साथ साथ आपकी बॉडी में कोई बुरा इफेक्ट भी ना डाले। एनेस्थीसिया के डोज के कारण आपकी बॉडी की सारी प्रोसेस स्लो हो जाती है, साथ ही ये हेल्प करता है आपके सर्जरी के दौरान ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट कंट्रोल रखने में। और आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी कि एनेस्थीसिया में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं और इसी का मिक्सचर रोज आपको बना के दिया जाता है। एक आपको पूरा अनकॉन्शियस रखता है, एक होता है एनल्जीजिया जो आपको पेनलेस रखता है, एक कंपोनेंट होता है मसल रिलैक्सेंस जो आपको टेम्परेली पैरालाइज्ड रखता है, एक होता है एमेनीजिया जो लॉस ऑफ मेमोरी ऑफ पेन के लिए होता है। हर मरीज की बॉडी में मेडिसिन अपने तरीके से काम करती है और रिएक्ट करती है, और ऐसे ही कई फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिसाइड करेगा कि एनेस्थीसिया आपकी बॉडी में किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। जनरली चार तरह से एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल, लोकल और सेडेशन, या फिर इसको MAC कहा जाता है। जनरल एनेस्थीसिया ये मेजर ऑपरेशन जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी एटसेट्रा की सर्जरी के टाइम दिया जाता है, जो आपकी पूरी बॉडी को पैरालाइज, रिलैक्स और पेनलेस रखता है, जिसके बाद आपको कुछ भी होश नहीं रहता, ना ही उस बीच में क्या हुआ आपको वो याद रहता है। रीजनल एनेस्थीसिया जैसे ही कि नाम से ही काफी कुछ डिफाइन करता है, इसमें बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट का जब ऑपरेशन करना होता है तो उतने पूरे हिस्से के बाद के एरिए को जिसमें कोई भी सेंसेशन फील ना कर पाए वो और बहुत हद तक होश में भी रहे और बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती रहे, तब इसका यूज किया जाता है। यहाँ मैक्सिमम केस में डिपेंड करता है क्या आप सर्जरी प्रोसेस को देख सकते हैं, अवेक रह सकते हैं, वरना काम होने के लिए आपको जनरल एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता है। लोकल एनेस्थीसिया इसमें बॉडी फुली अवेक होती है पर बॉडी का पर्टिकुलर पोर्शन स्लीप मोड में डाल दिया जाता है नीडल के थ्रू और वो पेनलेस हो जाता है, जिससे छोटे मोटे घाव, ऑपरेशन, स्टिचेस वगैरह लगाने होते तब इसका यूज किया जाता है। सेडेशन समटाइम्स कॉल्ड मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर, ये क्या होता है मैं लास्ट में आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अभी आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर कोई भी इंसान ऑपरेशन के दौरान होश में आ जाए तो इसे कहा जाता है एनेस्थीसिया अवेयरनेस। ऐसे मैक्सिमम केसेस में ऑपरेशन शुरू होने के पहले और बीच में नॉर्मली कई बार ऐसा हो सकता है जो कि हार्मलेस होता है, और ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को यह याद भी नहीं होता कि भाई स्पीच में ऐसा कुछ हुआ भी था या वो जाग गए थे। बट इसके अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो जिसमें आप एनेस्थीसिया अवेयरनेस में सुन, बोल, देख तो सकते हैं, इवन मूव भी कर सकते हैं बट कुछ पेन फील नहीं कर सकते। ऐसा होता है जब आपके एनेस्थीसिया का अंडरडोज आपको दे दिया जाता है। ऐसे केसेस में डॉक्टर जल्दी ही ये नोटिस कर लेता है और उसके डोज को बढ़ा दिया जाता है, जिससे आप वापस स्लीप मोड में चले जाते हैं और ऑपरेशन खत्म होने के बाद इवन आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था या आप जाग गए थे, और इसमें कोई भी मेंटल हार्म या साइड इफेक्ट नहीं होते हैं बाद में।
सेकेंड सिनेरियो में आप ना तो कुछ फील कर पाएंगे ना ही आपको आपकी बॉडी फील होगी, क्योंकि आपके एनेस्थीजिया में रिलैक्सेंट और पेन किलर का एजेंट सफिशियंट था बट एनेस्थेटिक्स का अमाउंट कम था, जिसके कारण आप अपनी सराउंडिंग्स नोटिस कर पाएंगे। बट इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप कुछ फील ही नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ऑपरेशंस के बाद आपको कोई भी सीरियस साइकोलॉजिकल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा। अब आते हैं अपने थर्ड सिनेरियो में। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे केसेस में अब आप होश में तो आ चुके हैं बट आप दर्द भी फील कर पा रहे हैं। बट पैरालाइज होने के कारण आप कुछ ना तो बोल सकते हैं ना ही मूव कर सकते हैं, और ऐसे में डॉक्टर भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि आपके एनेस्थीसिया में रिलैक्सेंस का डोज तो सफिशियंट था जिसके कारण आप पैरालाइज हो गए, बट आपके जो अदर कंपोनेंट थे एनेस्थीसिया के वो सफिशियंट नहीं थे। और यही होगा हमारा सबसे ज्यादा खतरनाक सिनेरियो। ऐसे में जो हो रहा है उसको देखने के अलावा और साथ साथ ये दर्द सहने के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, और ये दर्द ऑपरेशन के बढ़ते टाइम के साथ और बढ़ता जाएगा, जो किसी भी नर्क से कम नहीं होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बताती हैं कि जिन लोगों ने ये फील किया है उनके अनुसार ये किसी नर्क से कम नहीं था उनके लिए। हर सेकंड हर मिनट उनका दर्द बढ़ते जा रहा था, और वो इतना ज्यादा दर्द सह रहे थे कि उन्हें बस लग रहा था कि वो पागल होके मर ही जाएंगे। उन्होंने सब महसूस किया और हर बार हर घंटे के साथ उनका दर्द बढ़ते ही जा रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था किसी जिंदा व्यक्ति के पोस्टमार्टम करने जैसा, या फिर ऐसा समझिए किसी जिंदा व्यक्ति को कंटिन्यूसली टॉर्चर करना। ऐसे केसेस में कई बार हार्ट बीट बढ़ने, बीपी बढ़ने और घबराहट के कारण इतना ज्यादा पेन होने के कारण डेथ भी हो सकती है। और जब ऐसा होता है तो पेशेंट्स को मैक्सिमम केसेस में आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा लगा के बचा लिया जाता है। बट ऐसे केसेस में पेशेंट्स को लंबे समय तक मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, इंसोमिया, नाइटमेयर्स, ऐसी कई चीजों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके साथ जो हुआ वो बहुत आसानी से भूलने वाली चीज नहीं थी। फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसे कई केसेस में पेशेंट्स ने ऑपरेशन के बाद कोर्ट में फाइल भी केस किया है और जीता भी है, बट इंडिया में ऐसे केसेस मीडिया कवर नहीं करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया मीडिया को मसाला पसंद है, और यहाँ पे कोई मसाला नहीं है और मैक्सिमम लोगों में इस चीज के लिए अभी अवेयरनेस भी नहीं है। अब हम बात करते हैं MAC या सेडेशन के बारे में। बहुत से न्यूरो सर्जरीज में पेशेंट्स को कॉन्शियस रख के सर्जरी की जाती है, जिससे ब्रेन के एग्जैक्ट हिस्से में कहाँ दिक्कत है वो पता चल सके, और उस जिस हिस्से में दिक्कत नहीं उसको हाथ ना लगाया जाए। जिसमें चलते ऑपरेशन के दौरान कई बार उनको म्यूजिक सुनाई जाती है, कुछ उनको पिक्स दिखाई जाती है या उनसे बातें की जाती है, उनको किसी चीज को पहचानने को कहा जाता है। हाल ही में आपने ऐसा ही एक एग्जांपल सुना होगा म्यूजिशियन डिस्टोनिया के बारे में, जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें 37 ईयर ओल्ड कर्नाटका के गिटारिस्ट अभिषेक प्रसाद को उनका ब्रेन हाथ और उंगलियों को गलत इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा था, जिससे वो सही तरीके से गिटार प्ले नहीं कर पा रहे थे। तो एग्जैक्टली किस हिस्से में दिक्कत है पिन पॉइंट पता करने के लिए डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि वो सर्जरी के दौरान गिटार स्ट्रमिंग करते रहें। ये इस तरह का इंडिया में पहला ऑपरेशन था, जो जुलाई 11, 2017 को भगवान महावीर जैन हॉस्पिटल में किया गया। विदाउट एनेस्थीसिया होने वाले ऑपरेशंस का नंबर बहुत ज्यादा कम है, और एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं। अब ऐसे सिस्टम्स आ चुके हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप होश में आ चुके हैं, जाग रहे हैं और अब सुन समझ सकते हैं। ये होता है आपके ऑडिटरी सिस्टम के मूवमेंट को प्रॉपरली मॉनिटरिंग करने से, और ऐसे कई डेवलपमेंट आपको आगे भी देखने को मिल जाएंगे, जिसके बाद ऐसा कोई भी सिनेरियो किसी को भी सफर नहीं करना पड़ेगा। तो आपके भी दिमाग में अगर कोई ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक या ऐसा ही कुछ सवाल आ रहा हो जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियो बननी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमें ये जरूर बताएं कि भाई एनेस्थीसिया अवेयरनेस के बारे में आपको कुछ जानकारी है, तो कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।